स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास नाइन्थ बिहाइव टेक्स्ट बुक का चैप्टर वन, जिसका नाम है द फन दे हैड। जैसा कि मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है, द फन दे हैड, इसको लिखा है आइजैक एजिमो ने। किस राइटर का नाम एक बार फिर से सुन लीजिएगा, आइजैक एजिमो। ये नाम याद रखिएगा, कभी कभार एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन कि द फन दे हैड किसने लिखा है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को समझने से पहले आइए इस ग्राफ को पहले समझते हैं। आपके बुक में भी ये दिया हुआ है फर्स्ट पेज पे, तो ध्यान दीजिए, इस यहाँ लिखा हुआ है स्कूल ऑफ फ्यूचर। आप इसी से पकड़ सकते हो कि फ्यूचर में हमारे यहाँ स्कूल्स कैसे होंगे। तो द स्कूल्स ऑफ फ्यूचर, द फ्यूचर में हमारे यहाँ स्कूल्स में क्या क्या हो सकते हैं। तो फ्यूचर की स्कूल में क्लासरूम जो मिलेगा हमको, वर्चुअल मिलेगा। वर्चुअल क्लासरूम कहने का मतलब आज के जैसा क्लासरूम हम लोग को मिल रहा है। हम लोग बच्चों के साथ बैठते हैं एक साथ, 20 बच्चे 30 बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ते हैं, उस तरह का कंडीशन नहीं होगा, पूरी तरह से वर्चुअल होगा। कहने का मतलब सिंगल बैठेंगे और सिंगल ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, उस तरह का मीनिंग होगा इसका। उसके बाद है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, मतलब फ्यूचर में जो भी पढ़ाइयाँ होंगी या फिर हम लोग पढ़ेंगे वो कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ेंगे। तीसरा है रोबोटिक टीचर। अब जैसा कि मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ अभी इस समय, तो मैं एक ह्यूमन टीचर हूँ। तो फ्यूचर में जो स्कूल्स होंगे उसमें जो शिक्षक आपको मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, रोबोटिक टीचर, ह्यूमन टीचर नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ है मूविंग ई टेक्स्ट। ई टेक्स्ट का कहने का मतलब ये हुआ, मीनिंग ये हुआ कि जो बुक्स जो होंगे, जैसा कि ये बुक्स आप सामने देख रहे हो, इस तरह के बुक्स जो हैं जिसके पेज को हम टर्न करते हैं, इस तरह के बुक्स फ्यूचर में नहीं मिलेंगे, बिल्कुल ई बुक्स मिलेंगे। जैसा कि अभी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप ऑनलाइन में क्या करते हो, बुक्स को स्लाइड कर देते हो, दूसरा बुक्स आता है। ऐसा नहीं कि मोबाइल स्क्रीन चेंज करते हो, एक ही स्क्रीन पे बुक्स आते रहते हैं जाते रहते हैं, टेक्स्ट फ्लोट करते रहते हैं। तो वो हो गया मूविंग ई टेक्स्ट। तो इस ग्राफ के माध्यम से, इस टेबल के माध्यम से इतना तो क्लियर हो रहा है, यह जो स्टोरी जो है लिखा गया है, यह फ्यूचर में स्कूल कैसे होंगे उसको दिमाग में रखकर लिखा गया है। और टाइटल है द फन दे हैड, इसमें हैड शब्द लगा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि फ्यूचर के स्कूल को अभी प्रेजेंट के स्कूल से या पास्ट के स्कूल से जोड़ के देखा गया है। इतना सा बेसिक अगर आप समझ लेते हो कि इस स्टोरी में हमको ये जानना है कि फ्यूचर का स्टडी का पैटर्न क्या होगा, तो स्टोरी आपको काफ़ी सिंपल लगेगा। सबसे अच्छी बात है कि स्टोरी में आपको हर पैराग्राफ के सामने नंबर सिस्टम दे दिया गया है, पैराग्राफ वन, पैराग्राफ टू, पैराग्राफ थ्री। तो इससे जब मैं पढ़ूंगा तो आप पैराग्राफ बाई पैराग्राफ इजीली समझ सकोगे। जैसा कि मैं अभी पहला पैराग्राफ पढ़ने जा रहा, ध्यान से सुनिएगा। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17th May 2157। क्या है 17th May 2157। जैसा कि अभी 2020 चल रहा है, लेकिन जब ये स्टोरी जिस समय में चल रहा है वो समय क्या है, 17th May 2157, मतलब 2157 चल रहा है, जैसे कि अभी 2020 चल रहा है। तो स्टोरी का पैराग्राफ वन यहाँ से शुरू होता है कि मार्गी जो है उस रात बैठकर, किस रात, 17 May 2157 को अपने डायरी में लिख रही है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, मतलब आज टॉमी को एक रियल बुक मिला। तो टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, मार्गी ने लिखा इस डेट को अपने डायरी में। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, मार्गीज ग्रैंड फादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंड फादर told him that there was a time when all story were printed on paper। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि मार्गी जो डायरी में लिखती है कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक,
उस बुक को देखने के बाद मार्गी को बात याद आ रहा है कि मेरे ग्रैंड फादर ने बताया था कि उनके ग्रैंड फादर के समय में जो बुक्स जो होते थे वो पेपर पे प्रिंट हुआ करते थे। तो इस लाइन से यह तो क्लियर हो रहा है कि एक रियल बुक और एक्चुअल बुक से दूर दूर तक नाता जो है मार्गी का नहीं है। तो आप कैरेक्टर नेम याद रखिएगा मार्गी, क्योंकि स्टोरी में कैरेक्टर नेम याद होना जरूरी है। और एक और कैरेक्टर नेम हमको मिला है क्या, टॉमी। तो एक मार्गी हो गया और एक टॉमी हो गया, दो कैरेक्टर्स हमको मिल गए। दे टर्न द पेज विच वेयर येल्लो एंड क्रिंकी एंड इट वॉज ऑफुल फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू। सपोज टू का मतलब होता है मानना, सोचना। तो जब ये पेज को टर्न कर रहे होते हैं तो वो पेज जो है इनको टोटली किस कलर में दिख रहा है, येल्लो, येल्लो क्रिंकली। तो CRINKLY, क्रिंकली का मतलब होता है सिकुड़ जाना। क्या होता है, सिकुड़ना। यहाँ कहने का मतलब, जब वो बुक्स का पेज टर्न कर रहे होते हैं तो बुक्स का पेज जो है पूरी तरह से पीला पड़ गया है, सिकुड़ा हुआ लग रहा है, सेंस बहुत ज्यादा पुराना बुक है। और सब ये बुक्स को जब पलटते हैं तो देखते हैं कि उस बुक्स के ऊपर जो लेटर जो होते हैं वो मूव नहीं कर रहे होते हैं। जैसा कि बुक्स पे हम लोग आज के टाइम में बुक्स पे देखे, जो जहाँ प्रिंट है वहीं पे रहेगा बुक्स, आपको हर पेज को पढ़ने के लिए टर्न करना पड़ेगा। और आज के टाइम में अगर हम ऑनलाइन बुक्स पढ़ते हैं मोबाइल्स पे, कंप्यूटर्स पे, तो हम लोग बुक्स को क्या करते हैं, स्क्रीन वही रहता है, लेटर मूव करते रहते हैं। तो चूंकि मार्गी को इस तरह के ऑनलाइन मोबाइल्स में कंप्यूटर्स में मूविंग ईटेक्स पढ़ने का जो उनको आदत रहता है, तो इस बुक्स को देखने के बाद वो कंपेरिजन नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि ये कौन सा बुक है इस जिसमें लेटर जो है स्टील स्टूल जैसे के तैसे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। अब जो बुक के पेज को आगे पीछे करते हैं तो वो देखते हैं जो पीछे का जो लेटर जो है वो पीछे जैसे कि तैसे पड़ा हुआ है, आगे का लेटर जैसे कि तैसा पड़ा हुआ है। ओवरऑल जो है ये पहला पैराग्राफ ये बता रहा है कि उनको आश्चर्य हो रहा है, वो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये कौन सा बुक है जिसके लेटर जो है मूव कर ही नहीं रहे हैं। अब आते हैं दूसरे पैराग्राफ में, नंबर दो दिया होगा बुक में आपके, गी। गी से शुरू होता है सेड टॉमी। तो गी सेड टॉमी का मतलब ये हुआ, गी यहाँ पे है वो एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जैसे हम लोग ओ माय गॉड, यस, ओह बोलते हैं, सेम वही गी शब्द जो है वो मार्गी यूज करती है। और सेड टॉमी, टॉमी मार्गी से कहता है, जैसा कि मार्गी वो बुक देख के एक्सप्रेशन देती है ओह ये कैसा बुक है, तो उससे टॉमी बोलता है, सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट, कितना बेकार है। व्हेन यू आर थ्रू दिस बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस, टॉमी बोलता है मार्गी से, जब जब आपको यह बुक मिला होगा तो 100% आपने इस बुक को क्या कर दिया होगा, एक वेस्ट समझ कर फेंक दिया होगा। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। तो आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। तो टॉमी बोलता है कि हमारा जो टेलीविजन पे जो बुक्स जो आते हैं, टेलीविजन का मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पे जो बुक्स आते हैं उसमें तो मिलियंस सारे पेज होते हैं, बहुत सारे बुक्स होते हैं, हम लोग तो उसे नहीं फेंकते हैं, ये बुक्स किसी ने जरूर फेंका होगा। तो सेम विथ माइन सेड मार्गी। मार्गी बोलती है ऐसा मेरे साथ भी है, कहने के सेंस मैं भी जो हूँ बुक्स को नहीं फेंकती हूँ। सी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी है। तो ये मार्गी के बारे में बताया जा रहा है, मार्गी जो है 11 ईयर ओल्ड है और उसने उतना बुक्स नहीं देखा है जितना कि टॉमी ने देखा है। एंड ही वॉज 13
गाने का सेंस यह है, टॉमी जो है 13 ईयर्स ओल्ड है और मार्गी जो है 11 ईयर्स ओल्ड है। इनका एज याद रखिएगा, टॉमी का एज 11 ईयर ओल्ड, टॉमी का एज 13 ईयर ओल्ड एंड मार्गी का एज 11 ईयर ओल्ड। तो ये दूसरे पैराग्राफ का अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, एज माइंड में रखिएगा आप लोग। सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। सी सेड मीन्स मार्गी बोलती है टॉमी से, वेयर डिड यू फाइंड इट, आपको यह कहाँ से मिला। इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द आईटिक। तो जब मार्गी पूछती है कि आपकी यह बुक कहाँ से मिला, तो टॉमी जो है ना उधर घर के घर में एटिक में जो बैठ के जहाँ से वो पढ़ाई कर रहा होता है, कमरे की तरफ पॉइंट आउट कर देता है, बताता है यहीं पढ़ा हुआ मुझे मिला था। मीन्स आंसर देते समय वो ज़्यादा सीरियसनेस नहीं दिखाता है क्योंकि वो अपने एटिक में बैठ के पढ़ाई कर रहा होता है। एटिक का मतलब जैसे हम लोग बोल दें घर में जो एक खुला सा जगह होता है पढ़ने के लिए बनाया गया होता है वो हुआ। वाट इज अबाउट, अब मार्गी पूछती है जो ये बुक्स जो हमें मिला है ये किस चीज के बारे में है, इसमें क्या है। स्कूल, अब जो है जवाब आता है मार्गी को कि यह बुक जो है स्कूल के बारे में इसमें लिखा हुआ है। अब तीसरे नंबर पैराग्राफ में मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, स्कूल व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्गी जो है आश्चर्य में आकर बोलती है स्कूल, आखिर ये स्कूल क्या होता है, आखिर स्कूल के बारे में इसमें क्या दिया हुआ है, मुझे तो स्कूल से नफरत है, मार्गी रिप्लाई करती है। हेट क्यों करती है आगे जानते हैं। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। तो दे रहा है कि मार्गी तो पहले स्कूल सबसे नफरत करती थी, स्कूल जैसे ना जगह से भी नफरत करती थी, अब उसे और ज्यादा नफरत हो गया था। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। अब जो है जो मैकेनिकल टीचर जो है वो मार्गी को लगातार ज्योग्राफी में टेस्ट देते जा रहा है, कहने के सेंस वो टेस्ट के लिए पेपर दे रहा है और मार्गी उसका जवाब दे रही है। तो मार्गी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, मार्गी मार्गी की सब्जेक्ट का टेस्ट दे रही थी ज्योग्राफी। और याद रखिएगा क्योंकि स्टूडेंट्स इस चैप्टर में क्वेश्चन आते हैं, मार्गी ने किस सब्जेक्ट का टेस्ट दिया या टॉमी ने कौन सा सब्जेक्ट दिया, इस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर में आते हैं। सो ध्यान रखिएगा मार्गी का ज्योग्राफी कहीं लिख लीजिएगा, नहीं तो बुक में लाइनिंग कर लीजिएगा। तो मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर कहने का मतलब हम लोग जैसा टीचर नहीं, रोबोटिक टीचर, रोबोट के रूप में टीचर जो ऑनलाइन आते हैं रोबोट के रूप में, ना कि ह्यूमन के रूप में वो पढ़ाते हैं। तो सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर। वो तो बार बार वो ज्योग्राफी का टेस्ट दे रही थी, मैं यहाँ पे एक इमोजी बना दे रहा हूँ जिसके माध्यम से समझ जाओगे, सैड इमोजी, कहने का सेंस बार बार वो ज्योग्राफी का टेस्ट दे रही थी और मार्क्स उसका अच्छा नहीं आ रहा था, और वो तब तक नाराज थी जब तक मार्गी के मदर ने मार्गी का जो हेड जो है प्यार से नहीं सहलाया। तो मार्गी की मदर जब उसके हेड को आकर प्यार से सहलाती है, सोरोफुल दिया हुआ है, मीन्स जे सहानुभूति दिखा रही है, सिंपैथी दिखा रही है, कोई बात नहीं बेटी हो जाएगा, अच्छा आ जाएगा आपका, एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, एक लाइनिंग कर लीजिएगा कंट्री इंस्पेक्टर, मैं आपको यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, CONTRY कंट्री इंस्पेक्टर। अब कंट्री इंस्पेक्टर के बारे में जान लीजिए, कंट्री इंस्पेक्टर क्या होता है। तो कंट्री इंस्पेक्टर जो हो गया, जैसे कि आज के टाइम में प्रॉब्लम सॉल्व हम लोग करते हैं, तो फ्यूचर में जो है जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि सारी की सारी पढ़ाइयाँ जो है पहले ही मैंने बताया कि वर्चुअल क्लासरूम में होगा, कंप्यूटर के माध्यम से बच्चे पढ़ेंगे, तो कंप्यूटर में कोई खराबी आ जाए या कोई दिक्कत आ जाए या इवेलुएट नहीं कर पाए, तो जैसे आज के टाइम में हम लोग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के लिए रिपेयरिंग करवाते हैं,
तो फ्यूचर में उसको मैकेनिकल टीचर का नाम दिया गया है कि मैकेनिकल टीचर के पास ले जाकर उसको रिपेयर करवाया जाएगा, वो जो आपका वर्चुअल क्लासरूम हुआ या कंप्यूटर हुआ, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर उसको, ठीक है। तो ये रहा आपका तीसरा पैराग्राफ। अब जो है हम चौथे पैराग्राफ की तरफ पढ़ते हैं। ही वॉज राउंड लिटिल मैन विथ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल विथ डायल्स एंड वायर्स। अब जो है कंट्री इंस्पेक्टर के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है कि वह रेड फेस, वो कंट्री इंस्पेक्टर का फेस कैसा होता है। तो कंट्री आपको मैं बता रहा हूँ, चूंकि स्पेस नहीं है, आप आशा करता हूँ आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो कहाँ थे हम लोग, मार्गी को उसकी मदर जो है, जो कि मार्गी ज्योग्राफी में बार बार गलत कर रही थी, तो उसको कंट्री इंस्पेक्टर के पास ले कर गया। तो कंट्री इंस्पेक्टर, तो मैं आपको कंट्री इंस्पेक्टर के बारे में बताऊं, इसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन है कि रेड फेस, क्योंकि कैरेक्टर स्केच आ जाता है कभी कभी, ये डिस्क्राइब द कंट्री इंस्पेक्टर, तो पॉइंट्स याद होने चाहिए। कंट्री इंस्पेक्टर का फेस क्या होता है, रेड होता है, और वह एक लिटिल मैन होता है, छोटा है, नाटा है, तो लिटिल मैन है, और हमेशा जो है टूल्स जो है अपने साथ रखता है, और वायर्स, टूल्स और वायर्स जो है अपने साथ हमेशा रखता है। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वो मार्गी को देखता है तो क्या करता है, स्माइल देता है। कंट्री इंस्पेक्टर जो है स्माइल करता है किसको देख के, मार्गी को, और मार्गी को क्या करता है, एप्पल देता है, याद रखिएगा, एप्पल देता है खाने के लिए। कौन सा फ्रूट मिला मार्गी को खाने के लिए कंट्री इंस्पेक्टर द्वारा, तो आंसर आप क्या दोगे, एप्पल। देन टूक द टीचर अपार्ट। उसके पश्चात क्या होता है, वह जो है जो भी प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ता है। मार्गी हैड होप ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टूगेदर अगेन, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर सो देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अग्नि विथ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वेयर शोन एंड द क्वेश्चन वेयर आस्क्ड। सो तो मार्गी का जो कंप्यूटर था उसमें प्रॉब्लम क्या था कि वह जो है टेस्ट बाय टेस्ट लगातार ज्योग्राफी का उसके मैकेनिकल टीचर द्वारा मिल रहा था, जिसको सही कराने के लिए उसकी माँ ने उसको मैकेनिकल टीचर के पास भेजा। मैकेनिकल टीचर आता है, मार्गी को एप्पल देता है, उसका एक्सप्लेनेशन है अगली फेस है, लिटिल मैन है, वायर के साथ रहता है, वो क्या करता है जब वो मरम्मत कर रहा होता है तो मार्गी को ऐसा अंदर से एहसास होता है, लगता है कि मार्गी हैड होप्ड है, ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टूगेदर अगेन बट ही न्यू हाउ ऑल राइट। तो एक तरह से सोचती है कि सबको दोबारा कैसे फिक्स किया जाएगा, उसको पता नहीं रहता है, और उसके मन में ये भी एक तरह से लालसा होती है कि काश मैं दोबारा उस मैकेनिकल टीचर को ना देख पाऊं। बट आफ्टर एन आवर, एक घंटे बाद, विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल लेसन वेयर शोन एंड द क्वेश्चन वेयर आस्क्ड दैट वाज नॉट सो बैड, द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर सी पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। तो चौथा पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि एक घंटे बाद जो है वो स्क्रीन फिर से कंप्यूटर के पार्ट पे उसको दिखना शुरू हो जाता है जहाँ पे वो लेसन्स पढ़ा करती थी। तो उतना बुरा भी नहीं था इस बार जो दिखना दिख रहा था। और मार्गी आपको है, द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। मान लीजिए आपका ये कंप्यूटर है, तो मार्गी जो है अपने कंप्यूटर के उस वाले पार्ट से ज्यादा नफरत करती थी जिस पार्ट में उसको होमवर्क सबमिट करके डालना होता था। किसी को भी होमवर्क सबमिट करते समय थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो मार्गी को भी कंप्यूटर का, मान लो इस पार्ट में वो होमवर्क सेक्शन में, इस सेक्शन में होमवर्क सबमिट करती हूँ, तो इस पार्ट से उसको बहुत ज्यादा नफरत था। एंड तो याद रखिएगा जब मार्गी को किस पार्ट से नफरत था, तो अपने कंप्यूटर के वैसे पार्ट्स जहां वो होमवर्क अपना या पेपर्स को सबमिट करती थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर
लर्न व्हेन सी वाज 6 ईयर ओल्ड। तो एक और चीज मिला हमको, पंच कोड। कहने का मतलब फ्यूचर में जो पढ़ाइयां होगी वो एक कोड के माध्यम से होंगी, पंच कोड के माध्यम से। तो बताया जा रहा है कि मैगी जब 6 साल की थी, 6 ईयर ओल्ड थी, तब से वो पंच कोड के माध्यम से, पंच कोड के द्वारा पढ़ रही है। जैसे हम लोग इंग्लिश अपना लिपि द्वारा पढ़ते हैं, रोमन स्क्रिप्ट है, उनका भी पंच कोड है, उस द्वारा वो पढ़ती थी और 6 ईयर की थी तब से वो पढ़ाई कर रही है। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम्स। और वो जो टेस्ट सबमिट करती थी या कोई भी चीज बनाती थी, तो मैकेनिकल टीचर जो है तुरंत जो है इनका मार्क्स जो है, इनका रिजल्ट जो है कैलकुलेट करके इनको बता देता था। सो फ्रेंड्स, आज पैराग्राफ 4 तक ही हम रहने देते हैं, फिर इसके आगे मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा। तब तक आपसे निवेदन है कि बार बार आप इसको ध्यान से देखिएगा बुक्स के साथ, और जो मैंने पॉइंट्स आपको बताया है उसको आप या तो कहीं लिख लीजिएगा या फिर बुक्स में इसको मार्किंग कर लीजिएगा, क्योंकि 4 तक ही पढ़ने के बाद आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।